निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान को लेकर हमने जितने भी विश्लेषण किए उसमें हमने यही साबित किया कि यह मदरसा पैदाइश अनाड़ी कौम है, पर लगता यूं है कि हम गलत थे। ये अनाड़ी ही नहीं, जाहिल और नक्कारा भी है। भारत में कल राम मंदिर पूजन के बाद सबसे ज्यादा अहमदीनी जाहिलों के फटे हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान में पक्ष और विपक्ष दोनों ही बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। भूमि पूजन के बाद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इमरान सरकार के सामने मोदी को जवाब देने की मांग रख दी है। मांग भी ऐसी की जिससे पाकिस्तान की तहमंद मार्केट में तहमदों के रेट कई गुना बढ़ सकते हैं। पीपी ने कहा है कि मोदी अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं, अब इमरान को उनका माकूल जवाब देने के लिए इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर बनाना चाहिए। पीपी के सांसद और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के प्रवक्ता नवाज खोकर ने एक बयान जारी कर कहा है कि मोदी को सटीक जवाब देना जरूरी है, लिहाजा इमरान सरकार फौरन इस्लामाबाद में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करे। इस्लामाबाद में मंदिर बनाकर हम दुनिया को यह बता पाएंगे कि पाकिस्तान में सभी मजहबों का सम्मान होता है। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि अगर इनकी खोपड़ी में इतनी अकल होती तो ये पाकिस्तान में मंदिर तोड़ते ही क्यों। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब इस मदरसा मुल्क में 403 से ज्यादा मंदिर थे, आज यहाँ 100 मंदिर भी नहीं बचे हैं। जो है उनमें से अधिकांश को इन जाहिलों ने तबेला बना दिया है। इसका मतलब यह है कि 300 मंदिर को ध्वस्त करके एक श्री कृष्ण मंदिर बनाकर ये मुल्ला कौम पिछवाड़े पर हज का स्टिकर लगवाने के ख्वाब बुन रही है। यह मदरसा मुल्क मंदिर बनाने वालों में नहीं तोड़ने वालों में शुमार है। पिछले महीने इस्लामाबाद में जिस कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था वहां दो जाहिल टोपीबाज बांग देकर नींव की ईंटें भी उखाड़ ले गए। पूरे पाकिस्तान में एक भी तैमन छाप बता दीजिए जिसने एक मंदिर भी बनवाया हो, जबकि हिंदुस्तान में आकर देखें यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर मस्जिद बनाते हैं। इसलिए यहाँ के मुसलमानों से अपनी तुलना करनी छोड़ दीजिए और उस तैमद को पकड़ लीजिए जो हवा के झोंके में कमर से ऊपर आने वाला है। इससे पाकिस्तानियों की तस्वीर पर संकट आ सकता है। भारत का इतिहास है यहाँ मस्जिदें बनी हैं, मामूली नहीं भारी तादाद में बनी है, जबकि पाकिस्तान की मदरसा कौम ने सिर्फ मंदिर गिराने से ज्यादा कुछ नहीं किया है। अब जिन्हें सबूत की दरकार है वे हमारी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के केवल एक मंदिर की कहानी है, पर कोमोबस पाकिस्तान में 80% मंदिरों के साथ यही दोहराया गया है। आइए देखते हैं पाकिस्तान के एक हिंदू मंदिर की वास्तविकता। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पाकिस्तान में एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर पर जो हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ये मंदिर पाकिस्तान के सागरी में स्थित है और इसे सागरी मंदिर भी कहा जाता है। सागरी शहर में एक जमाने में हिंदू और सिखों की एक बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर नाम मात्र कोई हिंदू बचे हैं। यह सागरी शहर जो है हिंदू और सिखों का एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन आज देखा जाए तो ये इतना बड़ा शहर नहीं है और यहाँ से हिंदू और सिख लगभग जा चुके हैं और कुछ ही हिंदू बचे हैं यहाँ पे। इनमें से ज्यादातर हिंदू या तो मुसलमान बना दिए गए या फिर इन शहरों को छोड़कर ये हिंदू बाहुल शहरों की तरफ चले गए। अब ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये त्रिमूर्ति मंदिर है। इसे त्रिमूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन मूर्ति स्थापित थी कभी, लेकिन आज यहाँ एक भी नहीं है। अब ये तीन स्थान आपको नजर आ रहे हैं, एक सामने, एक दाएं, एक बाएं, लेकिन यहाँ पर मूर्ति एक भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये मूर्ति कहाँ गई, तो ये मूर्तियाँ यहाँ के कट्टरपंथियों ने खंडित कर डाली। और ये जो देख रहे हैं आप ये शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की हालत आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है, यहाँ पे आरतियाँ नहीं होती है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये खास बात यह है कि ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन पाकिस्तान में इनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। और ये देखिए, यहाँ से जो मूर्तियाँ थी या कुछ कीमती चीज़ें यहाँ पे थी वो सब उठा ली गई हैं और इनको तोड़ फोड़ दिया गया है। और ये सब काम किया है यहाँ के कट्टरपंथियों ने।
और अभी आप देखेंगे आगे और कुछ चौंकाने वाली चीजें देखेंगे इसी मंदिर के प्रांगण में भी और मंदिर के अंदर भी। यहाँ पे कोई प्लास्टर भी नहीं है, ये भी उखाड़ फेंके गए हैं। और यहाँ पे आजकल जो यहाँ के स्थानीय जो मुसलमान हैं उन्होंने इसे एक प्रकार से तबेला बना दिया है। उनके पशु यहाँ पे बनते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और जो घरों की गंदगी है वो भी इसी के प्रांगण में आके डाल जाते हैं। और यहाँ पे एक जमाने में यहाँ पे पूजा पाठ सभी चीजें हुआ करती थी, मेले लगते थे, लेकिन आज यहाँ मेले नहीं लगते। आज यहाँ पे पशु घूमते हैं या यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दिन भर खेलते हैं। और ये शिव मंदिर हो गया और ये त्रिमूर्ति मंदिर हो गया। और अभी आप देखेंगे जो मंदिर की दीवार है उस पर किस तरह इन्होंने विज्ञापन यहाँ पे लगाए हैं, जबकि किसी भी धार्मिक इमारत पर इस तरह के विज्ञापन नहीं किए जाते हैं। आपको ये चीजें पाकिस्तान में मंदिरों पर तो मिलेगी, लेकिन मस्जिदों पे इस तरह कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। और ये जो कुआं आप देख रहे हैं ये भी बहुत प्राचीन कुआं है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक जमाने में मुसलमानों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। और आज इस पे मुसलमानों का ही कब्जा है, हिंदू तो खुद ही यहाँ पे तरस रहा है पानी के लिए। ये देखिए प्राचीन कुआं, इसकी हालत देख सकते हैं आप क्या हो गई है। और ये प्रांगण देखिए, ये मंदिर का प्रांगण है, कैसे पशु बंधे हुए हैं और यहाँ किस तरह गंदगी जो है वो फैली हुई है। बच्चे खेलते हैं यहाँ पे और हिंदू यहाँ पे बचे नहीं हैं। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर हिंदुओं पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ होगा और उन्हें किस तरह भगाया हुआ होगा। ये आप देख सकते हैं गंदगी किस तरह फैली हुई है, ये इस मंदिर की हालत है। और ये प्राचीन मंदिर है और आप देखेंगे ऐसे मंदिर अगर हिंदुस्तान में तो शायद नहीं मिलेंगे और वो भी आबादी के आसपास नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मंदिरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और ले देकर 26 मंदिर यहाँ पर बचे हैं। तो इसी के साथ अनुमति दोस्तों, अगली बार फिर मिलूंगा एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।